कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, जिस जिस पर देशवासी गर्व करते हैं कांग्रेस उस हर चीज की छवि को धूमिल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहराम मचाया था, चुनाव के दौरान भी ये लोग, इनको सहयोगी दल, इनके अर्बन नक्सल साथी कितनी बार कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और किस लिए? ताकि ये लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता पर बट्टा लगा सके। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात करे। कांग्रेस की यही आदत रही है। कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। आजादी के 7 दशक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था, उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। दरअसल इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में हार मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने नतीजों में हेरफेर और गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनसे जीत छीनी गई है और तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। कांग्रेस ने दावा किया कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। जयराम रमेश के आरोपों के मुताबिक हरियाणा में 3 जिले हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से शिकायतें हैं, जहाँ 12 से 14 सीटों पर गंभीर सवाल। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे, शिकायत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ECI हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10-12-11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ECI गए थे, हमने शिकायत की और तब ECI ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ECI जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर BJP ने पलटवार किया, कहा कि हारने पर ऐसे ही कांग्रेस लगाती है। तो जो लोग EVM पर प्रश्न खड़ा करते थे, लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करते थे, और बहुत सारे लोग पथराव, आतंकवाद, अलगाववाद, इनको बढ़ावा देते थे, पाकिस्तान की ओर ज़्यादा देखते थे, लेकिन हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बार बार ये दिखाया है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर में ये लोकतंत्र की जीत। उनकी पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट तो कभी EVM के साथ लड़ाई करते हैं वो, फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डिले। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोसीजर हैं। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई जगह से EVM को लेकर शिकायतें मिली, कहीं बैटरी में दिक्कत थी। बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं,
और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है उसके हिसाब से भी है, लेकिन नहीं आओ वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पर दोष मढ़ती है, लेकिन जहां वो जीतती है तो ईवीएम पर बोलती नहीं। उस बेशरम के लिए कोई दूसरा थोड़े मौका है। कांग्रेस बेशर्मी शुरू से करती, जब तेलंगाना जीत गया तो मेरी जीत, हार गया तो ईवीएम के कारण। कांग्रेस के आरोपों पर AIMIM का भी बयान सामने आया। वारिस पठान ने कहा कि दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, खुद की कमी तलाशनी चाहिए। अब मेरे तो यही कहना है कि जो हरियाणा में हारे वो बास वर्तमान बोलते हैं ये MIM खड़ी थी इसकी वजह से हार गए BT में, CT में, DT में, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि हरियाणा में तो अब MIM चुनाव नहीं लड़ी, तो अभी हार कर टिकड़ा हमारे सर पे मत फोड़ देना। अब सेल्फ रिस्पेक्शन करो, खुद के अंदर झांको, क्या कमी है वो देखिए।